सत श्री अकाल कॉपी टू ऑल। हेलो सर। बाबियो आप कहां रसोई में था? मैं बोल रही हूं कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये बनाने की कोशिश कर रहा है दावत, लेकिन इसको पता नहीं है ये कौन से घर में बैठा है यहां। तो ये कोशिश कर रहा है तो मैं जरा वेट कर रही हूँ। अरे मिल जाएगा ना, जरूर मिल जाएगा। अरे बाप रे परी, ऐसे कैसे? ये इनका शूराक है, फ्रिज मत समझो। अच्छा अच्छा अच्छा, लगे रहो वायदे और अंडे टूटते कोशिश कामयाब होती है। इसमें जरूर कुछ मिलेगा। अच्छा मेरा चप्पल फाइनली। तो परी सच्ची में कुछ नहीं मिलने वाला? ओ ये क्या है? ओ शॉल। ये सब छोड़ो, तुम चाय बनाओ, ये लो। पर दूध? बकरी है ना, बकरी से निकालो। अच्छा। बकरी दूध तभी देगी अगर उसकी पप्पी लोगे। अरे ये तो दूध नहीं देती, नहीं तो दूध नहीं देती। पर ये तो लकड़ी की बकरी है। पूछ मत खींचना, दुलत्ती मारती है। हेलो हेलो बाप। निकालो निकालो। क्या करता हूँ? नहीं इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है परी। देखो जब कपिल के घर पे आओ तो पागलों वाली बातें ही करनी पड़ती हैं। जूतों की दावत और लकड़ी। कपिल पॉल खुल गई, पॉल खुल गई। कपिल बहुत ही प्यार से मैंने तुम्हारे लिए दावत बनाई है, मैंने ही बनाई है। प्लीज टेस्ट सर। कुछ और बनाती है तो हम खाते रहते हैं। एक बात बताओ आप हमारे किचन में क्या कर रहे हैं? यार इसको किचन तो मत बोलो, इससे ज्यादा खाने पीने के सामान तो मेरे गैराज में पड़ी है। शुक्र करो अभी तुमने हमारा बाथरूम नहीं देखा। बिना छत वाला बाथरूम देख ले तो गश खा के गिर जाती। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां परिणीति और आदित्य के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी दूर दूर से यहाँ पे शो देखने आए हैं। आदित्य परिणीति आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। परिणीति तो पहले भी काफी बार आ चुकी हैं जी। सो पहला सवाल मेरा आदित्य से है। ब्रो व्हाई हैव यू कम सो लेट ऑन माय शो? सर यू आर नॉट इनवाइटेड मी ओनली, अभी क्या करें? नहीं नहीं ये गलत बात है। और आशिकी टू और ये जवानी है दीवानी के बाद आई वाज इन रिहैब, तो अभी निकल गया हूं रिहैब से और फाइनली। चलिए अच्छी बात है। और जैसा कि आदित्य ने कहा आशिकी टू की जबरदस्त ग्रैंड सक्सेस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पे श्रद्धा कपूर आई थी, उन्होंने ये कहा था कि ये फिल्म उनकी वजह से हिट हुई है। Actually, उसकी वजह से हुई है। Definitely, श्रद्धा की वजह से। ये तो पी के पड़ा हुआ था तो पता नहीं इसने क्या किया। और परिणीति तो बाजी, मतलब मेरा पता नहीं चोपड़ा के साथ क्या खास प्यार है। ये कुड़ी बॉम्ब है, बॉम्ब। देखो अच्छा, आपके मुंह से कभी कभी सच निकल जाता है। यार कमाल कर यार, तू एटम बॉम्ब है। क्षमा की लौ में जल जाना चाहत परवाने के दिल की है, वाह। और दिल के बागबां में कभी कभी कली मोहब्बत की भी खिलती है। हजारों डूब जाते हैं आग के इस दरिया को पार करते करते, पर खुदा की रहमत से आशिकों को दावते इश्क की सौगात मिलती। अरे वाह। अरे मैं आपको बताऊं, परिणीति को ज्यादा काम करना अच्छा नहीं लगता है, ये तो कनेक्शन है कोई, ये बार बार मेरे चक्कर में फिल्में करती रहती है। भाई यू आर सो मच इन लव विद मी परिणीति। कपिल जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आई लव यू, तो वो आज भी सच है। कपिल मेरी बात सुन, तेरे दिन फिर गए गुरु, तेरे दिन फिर गए। जो आती थी वो तुझे भैया कह के जाती थी, वो कह रही आई लव यू। उसके दिमाग में भी नहीं आप बोल बोल के याद दिला दो। खैर आप हमें बताएंगे दावते इश्क में किस किस तरह की डिशेस जो हैं हमारे दर्शकों को देखने को मिलेंगी? ये पिक्चर उन लोगों के बारे में, एंड आई थिंक काफी लोग हैं जिनको खाने से बहुत प्यार है। okay. जैसे कि हम सब अपने आप को फूडीज बोलते हैं, तो आप में से काफी लोग आई एम श्योर फूडीज हैं, आपको खाना खाना पसंद है। तो खाना मतलब इसमें भरपूर है, मतलब अगर पिक्चर देख के भूख नहीं लगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। और क्या क्या है? और इश्क भी है बहुत सारा, रोमांस भी है, डांस तो आप हैं, रोमांस भी। इसमें आदित्य ने
अल्कोहल नहीं पिए इस पिक्चर भाई। फिल्म का नाम सुनकर मेरे को लगा था कि इसमें ना ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी अपने को कि रोस्टेड पप्पी यू नो चुम्मा दो प्याजा मलाई वाली चप्पी ऐसी टाइप चीजें। खैर मजाक अपनी जगह बाजी। परिणीति ने बड़ा अच्छा हैदराबादी एक्सेंट पकड़ा है, हमने ट्रेलर में देखा। आप एक डायलॉग बोल रही हैं, मिस्टर वर्ल्ड काइकू मिस्टर यूनिवर्स मिलेगा। हाँ यही मिस्टर वर्ल्ड काइकू मिस्टर यूनिवर्स मिलेगा। ये जो मिस्टर यूनिवर्स की आप बात कर रही है उसमें आप कैसी क्वालिटीज ढूंढ रही हैं? वो अर्जुन कपूर जैसा गुंडा होना चाहिए, सिद्धार्थ जैसा अच्छा इंसान होना चाहिए, या आदित्य जैसा पलंग तोड़ा कपिल बिल्कुल तुम्हारी तरह होना चाहिए यार। मतलब तीनों का मिक्सचर। सर मैं हट जाता हूँ बीच में से, प्लीज चेंज हो जाइए। एक बार जोरदार ताले परी और आदित्य के लिए। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ। आपको पता पाजी आदित्य ने अपनी पहली दो फिल्मों में जम के मतलब दारू का सेवन किया है, एक्टिंग की है। तो मैं अपने दर्शकों का ये भ्रम खोलना चाहता हूँ कि ये शराब पी के ही शराबी की एक्टिंग नहीं होती, वैसे भी हो सकती है। यस सर। तो हम लोग एक छोटा सा मोमेंट यहाँ पे करके आप लोगों को विश्वास दिला देते हैं कि आदित्य ने फिल्म में शराब नहीं पी हुई थी। परी आप यहाँ पे खड़ी है बस स्टॉप पे। हाँ। बारिश हो रही है। हाँ। दो शराबी आ गए बाहर से। हाँ। अच्छा तो आदित्य शराबी आपको छेड़ना है परिणीति को। हाँ। पिछली बार मैंने छेड़ा था परी को। अच्छा मैं खड़ी हूं। ओके मैं एक्शन बोलूंगा। ये छाता है। अब छेड़ने की इतनी जल्दी क्यों आपको? दो मिनट बचे हैं। ओके लड़की बस स्टॉप पे खड़ी है, बारिश भी हो रही, थोड़ी सी गीली भी, आप इमेजिन कर लीजिए। ओके प्रॉपर हमारा बजट है शो का, ऐसी बात नहीं। लड़की भीगी हुई है, शराबी बाहर से आया और उसके पीछे उसका दोस्त भी। एक लड़की भीगी भागी सी इधर जा रही है। मैडम ओ मैडम यस आई डोंट नो व्हाट्स योर प्लान मैडम। हेलो यू हैव एनी प्लान? प्लीज गो फ्रॉम हियर, आई एम वेटिंग फॉर द बस। यू वांट टू हैव लिटिल लेटर? मैम आई वांट। चलिए ना यहाँ से। अरे चल के तो आए हैं, अब यहाँ से भाग जाइए। अरे भाग जा रहे हम पीटी उषा। भीग रही हो, सर्दी लग रही हो, थोड़ी ब्रांडी मार लो। क्या चाहिए, क्या काम है? मैम मेरे को लेके आया था, बोलता उसको एक बार हेलो है बोलो पट जाती है मेरे को। तो आ जाओ मैडम, हमने जाओ कम प्लीज। तो बिना शराब पी के भी शराबी वाली एक्टिंग हो जाती है, आप मान गए ना? थैंक यू। अच्छा परी आपने जितनी भी फिल्में की हैं, इश्क ज्यादा हो, चाहे शुद्ध देसी रोमांस हो, चाहे हंसी तो फंसी हो, आप सब फिल्मों में लगातार भाग रही हैं। अभी भी हाँ, मैंने अभी दावतेश का भी देखा, उसमें भी आप भाग ही रही हैं। करेक्ट। मैं भाग रही हूँ इश्क ज्यादा में। हाँ हाँ, उसमें शुद्ध देसी में शादी में भागी थी, हंसी फंसी में घर से भाग गई। तो दावते इश्क में भी जो है परी भाग ही रही है। तो इतना भागती हो, किस दिन टाइम निकाल के भागी जाओ परमानेंटली मतलब। एक्चुअली मुझे अभी अभी ये रियलाइज हुआ है, मुझे स्क्रिप्ट जरा ध्यान से पढ़नी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम। नहीं पर अच्छी बात है ना। लेकिन किसके साथ भागना है अब? अच्छा अरे हाय कितना शर्मा रहा है देख। शर्मा नहीं रहा, पिघल रहा है जैसे लाल के लाल, जैसे गरम गरम आलू के पराठे पे मक्खन पिघलता ना वैसे पिघल रहा है। ठोको ठोको। एक बात है पारी, जो जो आपके साथ हो रहा ना मेरे पे डाल रहे हो आप। खैर आदित्य आप इस फिल्म में शेफ बने हैं। हाँ जी। आपने इससे पहले जो फिल्में की उसमें आपके साथ दीपिका हैं, श्रद्धा हैं, अभी परिणीति के साथ आप फिल्म कर रहे हैं। तो मैं खाने से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ कि दीपिका को, श्रद्धा को और परी को अगर किसी एक एक डिश के साथ डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे आप? अच्छा 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 अच्छा। तो परी होगी मिसल पाव। What?
दीपिका होगी. एक सेकंड, मिसल पाव के मैं वो क्लियर किया जाए कि क्यों मिसल पाव. यार ये मिसल पाव है हमारी लड़की. मन में आ गया कि एक क्रेविंग आया था तो आई सेड मिसल पाव. मिसल पाव मतलब मुझे लगा ये तारीफ का मोमेंट है. नो, मिसल पाव इज वेरी गुड. चलो आगे वाली को सुन लेते हैं. दीपिका क्या है? You better give a good answer. दही बटाटा पूरी. दही बटाटा पूरी? Why not? What is wrong with this? You're the boss. और श्रद्धा कपूर? श्रद्धा रह गई. श्रद्धा तेनू की है? श्रद्धा डोसा मत बोल दियो.